अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप किस तरीके से अपनी वी ओ की फ़ीस को जो है वो इंस्टॉलमेंट पे डिवाइड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना एल एम एस पर जाके अपनी आई डी लॉगिन कीजिए। आई डी लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा, ठीक है। इंटरफेस पर आप जाने के बाद सबसे पहले देखें यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको मैं नए पेज पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आप इसमें होम पे आ रहा हूँ। होम पे आने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपने जाना है यहाँ पे अकाउंट्स बुक में। और अकाउंट्स बुक में आने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे आखिर में यहाँ लिखा हुआ है अनपेड, ठीक है। और कितनी टोटल अमाउंट है मेरी, ये मेरा अमाउंट कम इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे होम में तो मैंने सिर्फ 4 कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं, इस वजह से मेरा अकाउंट में कम शो कर रहा है। तो वापस मैं जाऊँगा अकाउंट बुक में, और अकाउंट बुक में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आइकन्स आ रहे हैं बनने में, ठीक है। यानी सिक्कों का आइकन बना हुआ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। एंड लिखा हुआ वी आर कट टू इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो आप ये देखें आपको इंस्टॉलमेंट शो कर दी यहाँ पे, तो एक खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्योंकि मेरे 675 6750 रुपये हैं और जिसकी आखिरी डेट मैंने दी हुई है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के लिए मिला के। तो आप देख सकते हैं ये जो है सिर्फ 3 को इसने ऑन किया हुआ, 2 बंद किया हुआ, 5 बंद किया हुआ। वो इस वजह से किया हुआ है कि मेरे ऑलरेडी 4 कोर्सेज हैं, उस क्लास से फीस बहुत कम है। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ नंबर 3 मेरी इंस्टॉलमेंट खोली हुई है, यानी कि मैं सिर्फ जो है 3 हिस्सों में इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। अब तो आप देख सकते हैं 3 क्लिक करने पर देख आप देख सकते हैं कि दिसंबर, जनवरी, मार्च, ठीक है। यानी दिसंबर में पे करूँगा, जनवरी में करूँगा, और फेब के बाद मैं मार्च में पे करूँगा, ठीक है। तो पहले 2 महीने की फ़ीस मिली होगी 2700 2700, और आखिर महीने की फीस होगी 13500, ठीक है। वैसे तो इन्हें ये ऑप्शन देने में चाहिए 5 इंस्टॉलमेंट और 2 इंस्टॉलमेंट का भी, लेकिन इन्होंने फीस के लिहाज से उन्होंने इंस्टॉलमेंट दी। अगर आप लोग 5 या 6 कोर्स सेलेक्ट होंगे तो आप लोगों को 5 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप 5 पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से 5 नंबर की लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। अगर वो लिस्ट आप लोगों ने चेक करनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं बोर्ड में तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप कहाँ से जाकर फंड कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अपने एल एम एस में जाएँ, अकाउंट बुक में जाएँ और यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक कर दें। तो आपको इस तरीके से अगर आप पाँच पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से लेकर 5 तक के इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, ठीक है। पहले इंस्टॉलमेंट की जो डेट है वो December 4 है, सेकेंड December 10 है, फिर January 11 है, February 10 है और March 10 2021 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इंस्टॉलमेंट क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा वगैरह आपको पढ़नी है तो आप लिंक ओपन करके जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वही दिया हुआ है कोर्सेज के बारे में, फर्स्ट कोर्सेज ऑफ सेमेस्टर इनमेंट प्लस, यानी पहले जो है आपकी सेमेस्टर इनमेंट फीस होती है और एक कोर्स की फीस होती है, जो आपको लमसम में ली जाती है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड वर्ष से हमारा जो हमारा इनमेंट फीस हमारी गई थी लमसम में उसके बाद, ठीक है। तो आप चलते हैं नोटिस बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर आप देख सकते हैं यहाँ दिए स्टूडेंट फॉर्म एट द यूनिवर्सिटी इशू फर्स्ट वर्चर सेमेस्टर इनमेंट फीस प्लस वन कोर्स फीस और फॉल वगैरह फीस, ठीक है। लमसम जो थी आपने फर्स्ट यानी इन्वायरमेंट जब होते हैं सेमेस्टर में सेलेक्ट होते हैं उस वक्त की फीस दी हुई आपको, और उसके बाद आपको नवंबर में जो आपने कोर्स सेलेक्शन की थी उसके आप लोगों को फीस पॉर्चर दे चुका है। तो यू आर डायरेक्टली टू रिपोजिटरी ऑफ पर्चर सेविंग फॉर शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल फॉर्म शेड्यूल दी हुई है, इस तरीके से आप जाके अगर मैं यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाके जो है अलावा सीम ऑप्शन का कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट पर क्लिक कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरे 3 मंथ के इंस्टॉलमेंट पर ये सेव हो जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया तो फिर ये चेंज नहीं होगा। देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्या आइकन आ रहा था और अब क्या आइकन आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसकी सब ख्याल रखना है, सोच समझ से क्लिक करना है। अगर आप एक मतलब क्लिक कर दिया तो फिर इंस्टॉलमेंट चेंज नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं मेरी आखिरी डेट क्या है, December 4, देख सकते हैं पेबल पेड बैलेंस, ठीक है। ये अमाउंट आपने पे करनी है, ये पे करनी है, ये आपका बैलेंस बचा है माइनस मतलब क्रेडिट में, ये आपने पे करना है, ये है डेबिट आपका, ठीक है। और ये आपको डेट दी हुई यहाँ पे, या बैंक का नाम, या आपके एक्शन क्या है, फीस करवाने के बाद आप उसका प्रिंट भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने फीस की इंस्टॉलमेंट 5, 3 या 2 इंस्टॉलमेंट पर जमा करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।